आई और जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम वीना नेलवाला है, मैं करावल नगर प्रोजेक्ट से हूँ, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हूँ। हमें 2011 में रखा था 6 मंथ के लिए ओनली, इन लोगों ने आज 7 साल बिता दिए हमें और अब हमसे कहते हैं अब जाओ, और 2016 की सुपरवाइजरों को निकाल दिया और अब हमारा चांस है कि हमें भी निकाल देंगे। ये कैसी सरकार है और हमें क्यों निकाल रही है, क्या बात है? और हम लोग इतने इतने 17-17 साल हो गए, किसी को 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, और अब ये कहते हैं घरों में बैठ जाओ। कहाँ बैठे हम बताइए, अब बताइए हम कहाँ जाएंगे बताइए, इतनी इतनी उम्र होगी इन लोगों की। 45 मतलब कितनी सुपरवाइजर हैं जो यहाँ हम लोग यहाँ पर? तो वैसे तो हम 250 सुपरवाइजर हैं और इस समय आई होंगे 150 के करीब। जो अभी आपने बताया एक सुपरवाइजर ने बताया कि 2016 में 2016 में कितने सुपरवाइजर थी जिनको हटाया गया? 180 थे हम लोग, 162 रह गए, और फिर 2015 में 5 आई हैं, 2016 में 64 आई हैं। तो जो आपका सिलेक्शन हुआ था ये कंपनी के द्वारा या ठेकेदारों के द्वारा, तो आपसे किन किन कागजों पर साइन कराए थे? जो एफिडेविट भी इन्होंने लिया था शायद? कुछ नहीं है, हमारे को एक लेटर दिया 6 मंथ का ओनली, हमारे को कुछ नहीं दिया इन्होंने। 6 मंथ के बाद कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई तनख्वाह बढ़ाते हैं ना कुछ है, सब परेशान है हम लोग। कॉन्ट्रैक्टर जो हमारी कह देते नौकरी से निकालो नौकरी से निकालो, इनको रोज हमारे को प्रेशर डाला जाता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट वाले तुम्हें निकलो निकलो, आउटसोर्स हो बन गए हम, ऐसे हमें कहा जाता है। लेकिन मैडम जब कोई रखा जाता है, 2 या 3 से ज्यादा वो वर्कर रखे जाते हैं, तो उनका ESIPF वगैरह भी कटता है क्या आपका? इस तरीके ESIPF कटता है हमारा, 2014 से कटना शुरू हुआ है हमारा, 2014 से हमारा PF कटता है, ESI कटता है। धन्यवाद।